नमस्कार पॉजिटिव भारत सहित मु विकास बुलेटिन आरंभ करबा हले प्रथमे देखि नबा कोन रहिछि हेडलाइंस। प्रधानमंत्री को घोषणा परे टीकाकरण नहीं आसिला केन्द्र नुआ गाइडलाइन 18 वर्ष ऊर्ध को अग्राधिकार भितर टीका दिजा नहीं निर्णय करेंगे राज्य राज्यगुड़िक 75% वैक्सीन मागणारे देव केन्द्र। तृतीय लहर पिला प्रभावित करने दिल्ली एम्स निर्देशकों बड़ बयान पिला घातक होबना कौन प्रमाण द्वितीय लहर में पिला देखाई अल्प लक्षण घरे रही होती अनेक सुस्थ। डेल्टा भाइरस मुकाबला रे सफल कोविशील्ड कोवैक्सीन टीका नेवा परे राज्य में कमी सीभियरीटी रेट राज्य में लॉकडाउन रो उद्देश्य सफल होई कहले डीएमईटी। देशटे दिन परे देश में 1,00,000 तलू खसला दैनिक संक्रमण 24 घंटे 86,498 नुआ पॉजिटिव राज्य में भी कमुची कोरोना संक्रमण दिनक 5,896 नुआ आक्रांत। देश में 201 सीएनजी स्टेशन लोकार्पण कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। ओडिशा आरंभ है 11 सीएनजी स्टेशन खोर्धा भुवनेश्वर 7 और कटक जिले में 4 सीएनजी स्टेशन शुभारंभ एवं केन्द्रापड़ा और मयूरभंज गस्तर केन्द्रीय टीम बात्या यस केते क्षति आकलन करुछंती 7 जनिया टीम चाषी आलोचना करने क्षेत्र बुली देखिले अधिकारी। आसवा संपूर्ण खबर को देश में तलमुहा कोरोना ग्राफ 63 दिन पर देश में लक्षे तलू खसी दैनिक संक्रमण रेट 24 घंटे 86,498 नुआ आक्रांत चिन्हट होती पॉजिटिव रेट 66 दिन पर सबुठ कम रही 24 घंटे 2,123 जन लोकों जीवन नहीं महामारी एपर्यंत मोट कोरोना मामला 2,99,96,473 पहुंची 2,73,00,000 41,462 जन कोरोना रु एपर्यंत सुस्थ होती 3,51,309 जन जीवन जाइछि। देश में कोरोना आक्टिव मामला मध्य लगातार भाव में ह्रास पाउछि वर्तमान देश में 13,03,702 कोरोना आक्टिव मामला रही। जातीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम संशोधित गाइडलाइन जारी करिसेंति केन्द्र सरकार। जनसंख्या एवं आवश्यकता आधार में राज्य एवं केन्द्रशासित अंचल को बंटन करा टीका नष्ट नेबा उपरे गुरुत्व दिया जाउछि आसंता 21 रु कार्यकारी हेबो एही संशोधित गाइडलाइन। जातीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम संशोधित गाइडलाइन जारी कले केन्द्र सरकार। जनसंख्या एवं आवश्यकता आधार में राज्य और केन्द्र शासित अंचल को बंटन करा जीव टीका टीका नष्ट नहेबा उपरे गुरुत्व जून 21 रु कार्यकारी हेबो संशोधित गाइडलाइन। समय अनुसार गाइडलाइन रो पूर्णी होई पारे समीक्षा 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। देशरे समस्तंकु केंद्र सरकार मागणारे टीका देबे बोली जून 7 तारीख दिन घोषणा करितिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेही अनुसारे जून 8 तारीख दिन केंद्र तरफरु जारी होईची जातीय टीकाकरण कार्यक्रमर संशोधित गाइडलाइन। प्रधानमंत्रीक प्रतिश्रुति स्थान पाइची एही गाइडलाइन रे। गाइडलाइन अनुसारे देशरे उत्पादित टीकारु 75% किणवे केन्द्र सरकार टीका गुड़ी मागणारे समस्त राज्य एवं केन्द्र शासित अंचल को प्रदान करा संपृक्त राज्य केन्द्र शासित अंचल गुड़िक आवश्यकता अनुसारे और अग्राधिकार भित्तिर लोक मानक देवार व्यवस्था करे। हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स 45 वर्षर ऊर्ध नागरिक द्वितीय डोज पर अपेक्षारत एवं 18 वर्षर ऊर्ध नागरिकों अग्राधिकार भित्तिर टीकाकरण में सामिल करा तेबे टीकार जोगाण को आखे आगे रखी राज्य एवं केन्द्र शासित अंचल गुड़िक के अग्राधिकार दिजिव ताहा निजे निर्णय करें। विभिन्न राज्यर जनसंख्या टीकाकरण स्थिति संक्रमण हार को आधार कर केन्द्र सरकार टीका जोगाई देबे टीका नष्ट नहेबा पाई एपरी व्यवस्था करा जाइछि।
टीका जोगाइबा पूर्वरु केन्द्र तरफरु राज्य ओ केन्द्र शासित अंचल को डोज बाबदरे आगुआ सूचना दिया जिबो। सेही अनुसारे संप्रक्त राज्यगुड़िक टीकाकरण केन्द्र को टीका पठाइबार योजना करिपारिबे। राज्यगुड़िक लोकंक सुविधा पई टीकाकरण बाबदरे सर्वसाधारण सूचना जारी करिपारिबे, जहाँफलरे समस्ते जानिबे केबे केउटी टीकाकरण कार्यक्रम रहिछि। उत्पादन वृद्धि सहित नुआ टीका को प्रोत्साहन देवाई उत्पादक कंपानीगुड़िक घरोई हस्पिटाल को टीका बिकिबार अनुमति रही। गोटे मासरे उत्पादित टीकार 25% देशर घरोई हस्पिटाल को बिक्री करा जाई पारिबो। तेबे केउं घरोई हस्पिटाल रे टीकार केते आवश्यकता रही ताहा राज्यगुड़िक आकलन करिबे। सेही अनुसारे केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यर घरोई हस्पिटाल को टीका जोगाइबार व्यवस्था करिबे। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा एहि सबु टीकार देय कारबार करा जिवो। सहर ओ ग्रामांचल रे थिबा विभिन्न घरोई हस्पिटाल को किपरि सुविधा रे टीका जोगाई हेबो सेति पई एहि व्यवस्था करा जाइछि। घरोई हस्पिटाल पई केउ टीकार मूल्य केते रहिबो ताहा संप्रक्त कंपनी धार्य करिवे। मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन घटिले पूर्वरु सूचना देबे उत्पादक कंपनी। घरोई हॉस्पिटल गुड़िक डोज पिछा सर्वाधिक 150 टंका सर्विस चार्ज लागू करी पारिबे। एहार मॉनिटरिंग दायित्व राज्य उपरे नेस्त करा जाइछि। धनी गरीब समस्ते केन्द्र सरकार को मागणा टीका पाइबाकु हकदार। जिए अर्थ बदल रे टीका नेबाकु इच्छुक सेमाने घरोई हॉस्पिटल रे टीका नै पारिबे। लोक कल्याण बा जनसेवा भावना को प्रोत्साहन देबा पई केन्द्र सरकार एक नॉन ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स भाउचर योजना प्रस्तुत करिछंती। घरोई हॉस्पिटल रे टीका नेउथिबा व्यक्ति माने आउ जने चिन्हा परिचित आर्थिक दुर्बल थिबा लोकर टीका पई स्वेच्छा रे अर्थदान करि परिबे। सरकारी टीकाकरण केन्द्र उपर चाप कमाइबा सहित टीकाकरण को द्रुत करिबा पई एही व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। अजय परवर्ती खबर को देश में कोरोनार द्वितीय लहर कमी कमी आसुवा बेले तृतीय लहर को नहीं आशंका सृष्टि होती। तेज यार भितर तृतीय लहर में छोट पिला अधिक प्रभावित होगा नहीं जहाँ आशंका करापर प्रतिक्रिया रखिंट दिल्ली एम्सर निर्देशक डाक्टर रणदीप गुलेरिया। कोरोनार तृतीय लहर में छोट पाने प्रभावित होगा नहीं बर्तमान सुधा एपरी कौन प्रमाण मिलना दिल्ली एम्सर निर्देशक। द्वितीय लहर डाटा अनुसार हस्पिटाल भर्ती होता पिला 60-70% रोग प्रतिरोधक शक्ति कम रही बोली एम्स निर्देशक कहते। सेपटे एणिकी कोरोनार मुक्ति देवाई बहुत शीघ्र आसवाक जाऊँगी पिला नाजाल भैक्सीन गत किद नाजाल भैक्सीनेसन प्रस्तुति पदक्षेप नि सोमवार दिन प्रधानमंत्री टीकाकरण अभियान को लेकिन संबोधन में नाजाल भैक्सीन विषय कहते। इंजेक्शन भैक्सीन सहित आगक नाजाल भैक्सीन स्प्रे आसुची बोली प्रधानमंत्री देश को सूचना देखते। यहाँ अधिक गवेषणा चलुच्च तेज यही नाजाल भैक्सीन विशेष रूप छोट पिला क्षेत्र में प्रथम दुर्भवत होबोली जमापड़ी। जो अगली वेव्स हैं ये बच्चों में ज्यादा सीरियस होंगी। अगर हम पूरा डेटा देखें, इंडियन डेटा देखें, फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का या ग्लोबल डेटा देखें, तो अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड द वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहां पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में 60-70% जो बच्चे एडमिट हुए थे दे वर दोज विथ को मॉबिडिटीज, या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी या कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगले अगर वेव आएगी तो सिवियर इलनेस बच्चों में करेंगी। और चाहे हम इंडियन डेटा देखें चाहे ग्लोबल डेटा देखें और कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी कई केसेस आ रहे हैं, नए वेव चल रहे हैं, लेकिन उसमें कभी अभी तक भी ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि बच्चों में ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन होती है। तो आई डोंट थिंक दैट वी विल हैव एनी सीरियस इन्फेक्शन इन द फ्यूचर इन चिल्ड्रन। तो मैंने अधिक अपडेट नवा न्यूज रूम में अच्छा मो सहयोगी निहारिका। निहारिका जो देखा आज जहाँ रणदीप गुलेरिया कहते जे पिलाई सेमती कौन से घातक ना कि सेपटे जेहेतु टीकाकरण चली इंजेक्शन एवं छोट पिला नाजाल भैक्सीन आसूसी भैक्सीनेसन को लेकिन कौन अधिक अपडेट रही निहारिका।
निश्चित भाव में विकास जमी आम शुणुले रणदीप गुलेरिया कहते पिलाते दिन जाके कहला जेहतु थर्ड वेव आसूची से पिला बहुत हो पाए प्रॉब्लम हो पाए से उपर कि सीरीयसली अफेक्ट करें कि आज निश्चय कह एम्स जमीक आम अलरेडी जाचे एम्स ही अलरेडी पिला वैक्सीन ट्रायल स्टार्ट पटना में फास्ट स्टार्ट होता बर्तमान दिल्ली एम्स स्टार्ट कि पूरा पूरी भाव में वैक्सीनेसन नाला पर्यटन निश्चित भाव में अन्य कौन पदक्षेप जमीक सोशल डिस्टेंसिंग ना अदर से तो जारी रजल वैक्सीन कथा जदि कह बर्तमान काली प्रधानमंत्री उद्बोधन में नाजल वैक्सीन कथा कहते जोटा कि नाजल वैक्सीन से इंजेक्शन भाव में नुहे से जस्ट गोटे स्प्रेटा जोटा नाक को जीव आठ जदि मुझे सामान्य भाव में नाजल वैक्सीन जोटा कि सृष्टि बर्तमान भाव में प्रिपेरेसन अच्छी तार यहाँ ये हूँ जेहेतु नोज थ्रू रे आमर जाऊँ भाइरसटा तो नोज थ्रू रे जदि वैक्सीन स्प्रेटा इमिडियेट जीव एटा बहुत शीघ्र डायल्यूट हम यहाँ निश्चित भाव में आप जापे जदि आम नोज थ्रू रे फुसफुस को जाऊँ लंगस को अफेक्ट करदी एटा स्प्रेटा जीव अटोमेटिकली जल्दी निश्चय भाव में ताकि अफेक्ट कर भूताणु को निश्चय भाव में नष्ट कर निश्चय भाव में पिलाई जमी देखा जे आपत कहले पाई जिते बड़े जाके वैक्सीन कम्प्लीटली न आसी आ सब पिला नपाई विशेष भाव में आप टू इयर्स एबव्र पिला कहतु जो मैंने अति छोट से जदि नाजल वैक्सीन सतरे आसूची आटा जपर प्रधानमंत्री कहले यहाँ गोटे निश्चय भाव में आसी जाऊँगी निश्चय भाव में यहाँ गोटे बहुत बड़ भल सूचना आम देश गोटे भल खबर बोली कह निरिका कि निरिका मुझे जानवाक चाहिए जेहतु आप जानते हैं वैक्सीनेसन ट्रायल आरंभ हो सारी एमती कौन से सूचना आसिक केते दिन आत समय लगे कहीं अनुमान कर थर्ड वेव आउ किसी मस अंतर किसी समय सीमा रही जो ट्रायल चली सक्सेसफुल निश्चय भाव में विकास जमी कह चाहिए बर्तमान आम पाखे जो सूचना अच्छी प्रथम पटना जो स्टार्ट है से फास्ट तीनो पिला स्टार्ट होता एम्स दैट टू से 12 वर्ष ऊर्ध थे कारण प्रथम जदि अति छोट पिला के वैक्सीनेसन ट्रायल निपर नहीं मेडिकाली यहाँ पसिबल नुहे फास्ट टाइम पर ट्रायल टाइटा एत छोट पिला दवा निश्चय भाव में पेडियाट्रिक एसोसिएशन हिसाब से एत छोट पिला नुहे फास्ट 12 to 18 years 16 years पिला भितर से ट्रायल दिया आईटा सक्सेसफुल भी होता तापर समय बर्तमान एम्स दिल्ली तीनो एम्स अलरेडी ट्रायल स्टार्ट इवन तापर 12 to 16 वर्ष पिला 8 to 12 वर्ष पिला भितर बर्तमान दवापाई कि नेक्स्ट फेज रे ट्रायल होपर आसो आपणकर 2 to 4 वर्ष पिला निश्चय भाव में कहवा ट्रायल आज जहाँ सूचना आ प्राय 30 पिला वैक्सीनेसन ट्रायल निदी 30 पिला निश्चय आशा करवा परवर्त गोटे विक भितर अनेक पिला आसबे 200 पिला टार्गेट रखा जा तो निश्चय भाव में कहीपर विदिन 1 to 2 मंथ भितर बहुत पिला वैक्सीनेटेड कर तो यहाँ गोटे निश्चय भाव में बहुत भल खबर भाव में निहारी भाव में आश्वस्तिकर खबर जहाँ आप अपडेट देते बहुत बहुत धन्यवाद बर्तमान जहाँ जहाँ सूचना रही रणदीप गुलेरिया पिला सेमती कौन घातक होगा नहीं कौन सूचना ना बुलेटिन समय चाहिए एक छोट ब्रेक र ब्रेक पर स्वागत देशर विभिन्न स्थान में 201 सीएनजी स्टेशन लोकार्पण करिछन्ति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यहस ओडिशार 11 सीएनजी स्टेशन लोकार्पण करिछन्ति खोर्धा भुवनेश्वर में 7 एवं कटक जिले में 4 सीएनजी स्टेशन लोकार्पण करा देशरे ऊर्जा शक्ति को किभली सठिक भाव में व्यवहार करा जाई पारिबो से दिगरे पदक्षेप नियाजाइछि एवं बड़ पदक्षेप नियाजाइछि एवं देशर विभिन्न स्थान रे थिबा विभिन्न राज्य में 201 सीएनजी स्टेशन को लोकार्पण कर सबू सीएनजी स्टेशन में प्राकृतिक सीएनजी गैस व्यवहार करंधन भाव में तैल खर्च को किभली कमा जाई पारिबो एवं लोक माने किभली आर्थिक भाव निजक मजबूत करें से दिगरे ये बड़ पदक्षेप निया सहित ए सबू यंग एंटरप्रेन्योर मान को स्टार्टअप करने दिगरे अधिक प्रोत्साहन जगह एने की धर्मेन्द्र प्रधान सूचना देते स्टेशन लोकार्पण करने अवसर में सो ओडिशारे 11 सीएनजी स्टेशन लोकार्पण करा खोर्धा एवं कहींपर भुवनेश्वर मध्य 7 प्रमुख जगार 7 सीएनजी स्टेशन लोकार्पित होता कटक जिलार 4 सीएनजी स्टेशन लोकार्पण कर आज केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 6000 ତଳକୁ ଖସିଛି। ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ 5896 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନରୁ 3332 ଏବଂ 2564 ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁଣି ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 495 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 853 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 45 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିକା ନେଲାପରେ ସିଭିଅରିଟି କମିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସେହିପରି 18ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣା ଟିକା ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ କମୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ବି କମୁଛି। ଆଉ 7ରୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। ପୂର୍ବ କେସ୍ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପ୍ଲିକେସି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦେଖିବେ 62% ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି ଆଇସିୟୁରେ, 63% ଆଇସିୟୁରେ, ଆରାଉଣ୍ଡ 62% ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ୍ ବେଡ଼୍ ଆମର ଖାଲି ଅଛି। ତେଣୁ ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ କମୁଛି, ଯିଏ ଆଗରୁ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସଂକ୍ରମଣଟାକୁ କମେଇବେ ସମାଜରେ। ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣଟା କମିବ କେମିତି ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ଟାକୁ କେମିତି ଅନୁପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଆପଣ ଭିତରେ ରହନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯାହା ହେଲା, ସବୁ ଲୋକ ମାନିଲେନି, କିଛି ଲୋକ ବି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲେ, ବୁଲିଲେ, ସବୁ କଲେ, ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସଂକ୍ରମଣଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୋକିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ସଂକ୍ରମଣ? ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଖବର ଜାରି ରହିବ, ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 8 ଜୁନ୍। ଆଜିର ଦିନକୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସ ବା ୱାର୍ଲଡ ଓସେନ୍ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମହାସାଗରର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଆଉ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ପଛର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାୟ 2/3 ବା 71% ଅଂଶ ଜଳଭାଗ। 5ଟି ମହାସାଗରରେ ବିଭକ୍ତ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଏହି ଜଳରାଶି, ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଜୀବଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ଏହି ମହାସାଗରରୁ। କେବଳ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଏହି ମହାସାଗର ଯୋଗୁଁ। ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏହି ମହାସାଗର। ପୃଥିବୀର 50% ଅମ୍ଳଜାନ ମହାସାଗରରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ମହାସାଗରର ଉଷ୍ମସ୍ରୋତ ଭୂଭାଗକୁ ଗରମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଖାଲି ଜୀବନ ଦେଇନି, ମହାସାଗର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ବି ଯୋଗାଉଛି। ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 2030 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର 40 କୋଟି ଲୋକ ମହାସାଗର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବେ। ମହାସାଗରରୁ ଆମକୁ ଅନେକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ପରି ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି ମହାସାଗର ହିଁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୋଗାଇବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାସାଗରର ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୃଥିବୀବାସୀ ବଡ଼ କୃତଜ୍ଞ, ଯେଉଁ ମହାସାଗର ଆମର ଜୀବନଧାରା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଓ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବାରେ ଆମେ ଲାଗିପଡ଼ିଛୁ। ଯିଏ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଉଛୁ ଆବର୍ଜନା। ତାଠାରୁ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଭଣ୍ଡାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଗର ଗର୍ଭକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଣ୍ଡାରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲାଗିଛେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ସର୍ବନାଶକୁ ଡାକି ଆଣୁଛେ। ତେଣୁ ମହାସାଗରର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ଓ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସ ପାଳନ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ମହାସାଗର ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ। ଆମ ଦେଶକୁ ତିନି ପାଖରୁ ଘେରି ରହିଛି ମହାସାଗର। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଏହାର ରହିଛି ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତିର ରହିଛି ଅପାର ସମ୍ଭାବନା।
ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସ ଅବସରରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଏହା ସ୍ମରଣ କରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମହାସାଗରର ଏକ ଭିଡିଓ ସହ ସେ ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ସମୁଦ୍ର ଓ ବେଳାଭୂମିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂସାଧନର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେହିପରି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସ ଅବସରରେ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସ ବା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓସେନ୍ ଡେର ଥିମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ମହାସାଗରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବନ ଓ ମହାସାଗର ଯୋଗୁଁ ମିଳୁଥିବା ଜୀବିକା ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। 1992 ମସିହାରେ ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓରେ ଆୟୋଜିତ ଆର୍ଥ ସମିଟ୍ରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ 8 ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।